संभल जिले में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मंत्री के पास पहुंच गए भाजपा के बड़े बड़े नेता। विधायक ने लगाए गंभीर आरोप। खबर संभल से है, जहां अपनी ही सरकार में जिले में हो रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भाजपा के बड़े बड़े नेता जिला कलेक्ट्रेट सभागार पर पहुंचे और वहां पहुंचे प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख को जिले में हो रहे भ्रष्टाचार के कई बिंदुओं को लेकर एक शिकायती पत्र प्रभारी मंत्री को सौंपा और एक सप्ताह का समय देते हुए सभी व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही, नहीं तो एक बड़े धरने की चेतावनी दी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों में गुन्नौर विधानसभा से भाजपा विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू, पूर्व सांसद प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायकों के अलावा कई जिला पंचायत सदस्य और भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। गुन्नौर से भाजपा विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने अपने लेटर पैड पर शिकायती पत्र मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख को सौंपा। जिले में क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आपने ज्यादा लिखा? सबसे पहले तो ये है कि जो हमने शिकायत की, हमारे साथ जिले के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी हैं, पूर्व MLA हैं, MLA हैं, विधायक हैं, सारे लोग एक साथ आए हैं और उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो मूलभूत समस्याएँ हैं जनता की, जो सरकारी योजनाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इलेक्शन भी आने वाला है और पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, चाहे वो राशन को राशन के अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, थाने तहसीलों में खुलेआम लूट हो रही है, जनता को जो रिलीफ मिलनी चाहिए, क्राइम हमारे क्षेत्र में बढ़ रहा है, जितने की वजह और बढ़ रहा है, तो ये जब नेता लोगों का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर बनती है? इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर बनती है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि नेताओं के कहने से कोई काम नहीं होता है, तो अधिकारी जब अपने मनमानी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, उनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमारा एक सवाल ये है, आप लगातार अपनी सरकार में, भाई देखिए जब हमारे सामने पार्टी के कार्यकर्ता हमें जब आते हैं और जनता के लोग आते हैं, जो उनकी समस्याएं हैं उनको रखने का हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, उसी का हम निरूपण करते हैं, जिससे कि उनके उत्पीड़न की लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहते हैं और लड़ते भी रहेंगे, इसके लिए हम पीछे नहीं हटाएंगे। अभी भाजपा के लोगों ने अंदर बात कही थी कि किसानों का जिले में शोषण हो रहा है, तो किस तरह से प्रताड़ित किसानों को किया जा रहा है? किसानों का शोर, किसान आदमी अपने घर के लिए एक टोली मिट्टी ले आता है तो उसे आतंकवादियों की तरह पकड़ के बंद कर दिया जाता है, और यहाँ पर तमाम खनन माफिया जो है रेता ढो रहे हैं और जो है उनको पकड़ा नहीं जाता, तो ये दोहरी नीति है। तीसरी बात, किसान आदमी कोई एक छोटा सा बल्ब जला लेता है तो उसकी रात में वीडियो बनाई जाती है, तमाम जो है उस पर FIR हो जाती है, और जबकि जो है उनके बिल बहुत बढ़ा करके दे दिए जाते हैं तो उनसे अवैध वसूली की जा रही है, इस प्रकार की हजारों समस्याएं हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं ने समाधान जनपद में चल रही समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन दिया है और लगातार जिले के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हमारे संभल के अंदर जो हमारा संभल जैसे क्षेत्र है, वहाँ पर दीपसरा है, मियासरा है, सराती, उन इलाकों में लगातार बिजली चोरी हो रही है, और जब बिजली चोरी का छापा माने आते हैं तो वहाँ पर जो है उनको पीट कर खा दिया जाता है, तो पर हमारा शासन कहता है कि वसूली होनी चाहिए जिससे सरकार चल सके, तो उसकी वसूली हमारे ही लोगों के बीच में छापे डाले जाते हैं, गरीब लोगों के बीच में छापे डालते हैं, किसान लोगों को उन्होंने किया था उनसे वसूली करके और सरकार चलाने का पैसा जमा कर दिया जाता है, जबकि एक वर्ग विशेष के लोग जो खुलेआम चोरी कर रहे हैं और उनको उससे पार्टी के लोग, मैं खुलेआम कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि बिजली चोरी करो, लगातार बिजली चोरी हो रही, दीपसरा है, मियासरा है, सराती, डेरासरा है, इन सारे मोहल्लों में, बेगमसरा है, पंजूसरा है, इन मोहल्लों में बहुत चोरी हो रही है, वहाँ पर लगातार छापे लगने पड़ने चाहिए, तब जो है इस संबंध में हम माननीय विधायक जी के साथ लखनऊ जाकर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे कि यहाँ पर जो है कुछ अधिकारी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर काम कर रहे हैं। पुलिस विभाग में खुलेआम मोटरसाइकिल और उस पर पुलिस महकमे में आज जो है कुछ शिकायतों को लेकर आज विधायक जी ने बात कही है, तो विधायक जी ये बताइए कि भाजपा के बड़े नेताओं ने यहाँ पर आपसे शिकायतें की हैं, तमाम समस्याओं को लेकर क्या मामला है? देखिए ये संगठन का मामला है, पार्टी का मामला है, और पार्टी में
हर कार्यकर्ताओं को हर नेता को पार्टी के लोगों को बात रखने का मौका मिलता है और वो अपने उन्होंने बात रखी है और जो बात रखी है बैठ के उसको चर्चा नहीं सब लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाया सर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया इस मामले में क्या कहना आपको। मैं जो आपसे कह रहा हूँ हमारी जिलाध्यक्ष हमारे विधायक जी पूर्व विधायक पूर्व जिलाध्यक्ष जी और पूर्व विधायक सब लोग हम लोग बैठे हैं और किसी विषय पे चर्चा हुई है हम चर्चा करके उसका समाधान करेंगे यही बेटर है।